सो अभी हो रहा है 5:25 एंड ऑल सेट फॉर अ राइड विद अ कंप्लीट न्यू सेटअप। जो GoPro का सेटअप है वो भी न्यू है, हेलमेट ऑब्वियसली इज न्यू, बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सर्टेन मोर थिंग्स व्हिच आर न्यू, वो मैं आगे चलते चलते बताऊंगा। हम लोग मिलते हैं। It's been raining heavily. So, GoPro को अभी मुझे अंदर डालना पड़ेगा। हम लोग फिर कहीं चल के मिलते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक, देखो क्या हाल है पीछे, मेरा क्या हाल है देखो। खैर मेरा हाल छोड़ो, मैं तो पसीने से गीला हो गया। पीछे ट्रक्स देखो, NH-48 में यही है सीन। और लेट्स टॉक अबाउट क्या क्या चेंजेस मैंने किया है। सो फर्स्ट थिंग, कल मैंने जो भी अपना फ्रंट एंड रियर का मडगार्ड है वो चेंज करवाया, क्योंकि फ्रंट एंड रियर दोनों में क्रैक आ गया था। एंड हैंडल बार भी मैंने अभी हिमालयन का डाल दिया है विथ राइजर, यही मेरा प्रोवन एंड द बेस्ट हैंडल बार है अभी तक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। और सीट का तो पूछो मत, मैं वापस स्टॉक एग्जॉस्ट में आ गया हूँ। द हेलमेट इज़ रियली गुड सो फार, बट मॉनसून में आप क्या बताऊँ, GoPro भी नहीं डाल पा रहा हूँ। ब्लू आर्मर वैसे अच्छा ही चल रहा है। एंड दिस इज़ हाउ द स्टांस ऑफ द बाइक लुक्स लाइक, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। रादर देन ग्रे आई लव दिस ब्लैक कॉम्बो। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पीछे अंदर भी एक कवर रहता है, वन पीस का वो कवर है, तो आई एम गोइंग टू चेंज द कवर एज वेल। हाँ, एक और छोटा सा एडिशन है, रिफ्लेक्टर डाला है मैंने। बहुत लोग, दिस इज़ एक्चुअली वेरी बिलो रेटेड, बट ये बहुत काम की चीज़ है ये रिफ्लेक्टर। आप अगर चला रहे हो बाइक, आप ट्रिप्स में जाते हो, नहीं भी जाते हो तो भी ये रिफ्लेक्टर डाल लो, ये काम आता है स्पेशली इवनिंग के टाइम में। काफ़ी टाइम होता है हम लोग निकाल रहे होते हैं कहीं से बाइक, एंड कार आ रही होती है टी जंक्शन में, तो ये रिफ्लेक्टर हेल्प्स द कार और द हेवी व्हीकल पर्सन आइडेंटिफाई कि कुछ तो है वहाँ पे, सो दैट दे कैन स्लो डाउन। दैट इज़ वन ऑफ देम, बेसिकली रिफ्लेक्टर का वही है काम और क्या। एंड पीछे भी मैंने ब्लैक कलर का डाल दिया है। एंड ये जो यहाँ पे जो एक ये जो प्लास्टिक का फेयरिंग है, ये फेयरिंग भी मैं चेंज करने वाला हूँ विद उसके अंदर एक कवर है। कवर मतलब इसे खोला तो फिर आपको दिखाता हूँ, जिसमें ईसीयू एक्चुअली जिस ट्रे में होल्ड करता है, इट इज़ दैट सेम ट्रे, इट इज़ अ सिंगल पीस। तो वो चेंज करने का रीज़न है क्योंकि वो साइड का जो पैनल का लॉक होता है वो टूट चुका है, एंड बैटरी का भी जो मेटल का जो होल्ड प्लेट है वो भी मैं चेंज करने वाला हूँ क्योंकि रस्टेड हो चुका है। एंड ये ब्लैक होने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक वाइज। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आज डेस्टिनेशन का पता नहीं यार, ये मतलब NH-48 इतनी बुरी हालत है, सॉरी 46 अभी, मतलब क्या बताऊँ यार, ट्रक पर ट्रक, रास्ते की हालत तो और भी बुरी है। वो आधा सा पेवमेंट सीमेंट का है तो नीचे उतरने को जगह नहीं है, भले एक आध जगह है लेकिन नहीं उतर सकते। और ये बात करते करते अभी रिजिट भी आ गया, आजा भाई। दिस इज़ लाइक पीछे का मडगार्ड निकाल दिया है, एंड वो मुझे चेंज करना है, एंड फ्रंट का चेंज हो चुका है, सो वी हैव पुट ऑन द ब्लैक एंड रिप्लेस द ग्रे और द जो भी ग्रे कलर का है। ये पीछे का है, इट्स अ वेरी टीडियस टास्क ये जो स्विच गियर्स है इसको निकालना। एंड ये दोनों चेंज करने का प्राइमरी रीज़न यही था कि बोथ ऑफ देम डेवलप्ड अ क्रैक एंड द बाइक इज़ एज गुड एज 5 years ओल्ड नाउ, सो आई डिसाइडेड कि चलो लेट्स पुट द ब्लैक इंस्टेड ऑफ स्टॉक जो ग्रे कलर आता है, बिकॉज मुझे ब्लैक थोड़ा पसंद भी है। एंड अनदर रीज़न इज़ ब्लैक इज़ ईजियर टू मेंटेन दैट ग्रे। ग्रे में क्या होता है, स्क्रैचेस अगर लग गया ना उसके ऊपर डर्ट जो है एकुमुलेट हो जाता है, दैट डजंट हैपन विद द ब्लैक।
सो ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्रैक है, मार्क्स है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि पानी भी अंदर आ रहा है अभी मानसून में. सो दैट्स इट. तो हम लोग अभी चांद में घूमने निकले हैं और मैं आप लोग अभी चांद का सफ़र कराता हूँ. चल बेसिकली मतलब इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन. कभी हम लोग बॉडी बीच जाने वाले थे तो कभी हम लोगों ने स्विमिंग पूल में उतरा, कभी हम लोगों ने डॉज खेला, कभी हम लोगों ने रोड रश खेला. बचपन की याद आ गई आज. ये देखो ऐसे नमूने भर भर के आ रहे हैं. ये देखो टॉर्च खेलने के लिए. चलो टॉर्च खेलना चालू है. अच्छा क्या बात. ओहो ओहो हो. ये देखो टॉर्च गेम, टॉर्च गेम. अपन डॉज करेंगे. सुबह तो हम लोग स्विमिंग पूल में भी उतरे थे आते हुए. अभी मैं कितना 6:30 बजे ये क्रॉस किया था तो थोड़ा सा क्यू था. लाइन में हम लोग खड़े थे बट ठीक है, सबको मौका मिला है. देखो क्यू है लेकिन सबको मौका मिलेगा. टाइम कितना हो रहा है? कुछ 8. तो हमने राइड बीच रास्ते में कैंसिल कर दिया. रोड का हालत तो है बहुत ही बेकार. ऊपर से जम के बारिश हो रही है. आप में से कोई अगर NH 46 में ट्रैवल कर रहे हो और राइड, बी केयरफुल, वॉच आउट फॉर मानसून. एंड रोड का हालत देखो बहुत ही ख़राब है. मैं अगर रिकॉर्ड कर पाता तो मैं दिखाता, लेकिन जगह तो गड्ढा नहीं पुल बना हुआ है और यहाँ ट्रक्स अपने हिसाब से चल रहे हैं. वो सांप सीढ़ी वाला चालू है, लेफ्ट राइट अपने मर्जी से, कोई सिग्नल नहीं कुछ नहीं. ऊपर से बारिश हो रही है, इट्स वेरी रिस्की. तो हमने डिसाइड किया कि भाई राइड अभी आधे रास्ते में ख़त्म करते हैं, घर वापस चलते हैं. लेट्स नॉट टेक द रिस्क. मानसून जब तक थोड़ा हल्का नहीं होता राइड करने का मतलब नहीं है. एंड अभी जैसा है कि NH 46 में तो अभी ट्रैवल करना ही नहीं है. टिल विंटर एटलीस्ट विल अवॉइड NH 46 क्योंकि बहुत बेकार हालत है, ह्यूज ट्रैफिक है एंड इट डजंट मेक एनी सेंस. तो अभी चाय खत्म, इसके बाद सुबह घर.